भारत के मोस्ट वांटेड डॉन की गर्दन तक सीबीआई के हाथ पहुंच गए हैं। साल 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने दुबई से दाऊद के करीबी फारूक टकला को गिरफ्तार किया। फारूक दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ बताया जाता था। बताया जाता है कि फारूक टकला ने ही मुंबई ब्लास्ट की योजना तैयार की थी। सीबीआई उसे टाडा कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि फारूक टकला से सीबीआई दाऊद के ठिकानों से जुड़ी कहीं अहम जानकारियां मिल सकती है। आपको बता दें कि 1993 में मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 1995 में ही फारूक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।